साथी नमस्कार। पावर पॉइंट में जैसी स्लाइड आप देख रहे हैं ठीक ऐसा ही प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक स्लाइड लेते हैं और इस स्लाइड में जो भी ये विंडो है इसको डिलीट करते हैं, जो भी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है सारी चीजें हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, इस स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड के लिए हमें डिजाइन टैब पे चलना है, यहाँ बैकग्राउंड स्टाइल पे आके इसको ब्लैक कर देना है। जब हम ब्लैक कर देते हैं पूरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शेप पे चल के यहाँ पे ओवल शेप बना देना है, मतलब गोला एक तैयार कर लेना है छोटा सा। ये बनाते हैं आपका चांद। अब हम इस चांद का कलर जो है, जो भी आप कलर देना चाहें, आप व्हाइट देना चाहते हैं आप व्हाइट दे सकते हैं, आप येलो करना चाहें येलो कर सकते हैं। तो हमने व्हाइट कर दिया और व्हाइट करने के बाद हम इस पे कोई रिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां से यहां तक कुछ इस तरीके से एक शेप तैयार करना है। अगर ये शेप नहीं तैयार करते हैं तो भी एक शेप मैं आपको और बता रहा हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं, तो हम इस शेप को यूज कर लेते हैं। तो यहां से हमने इस शेप को यूज किया और अब हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा लेते हैं, इस तरीके से छोटा कर लेते हैं ताकि इसी विंडो में दिखाई पड़े। और फिर अब हम इसको यहां से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद इसको हमने बड़ा कर दिया। अब हम फॉर्मेट में चल के इसका भी कलर जो है व्हाइट कर देते हैं और इस पे आउटलाइन का जो कलर है वो भी व्हाइट कर देते हैं। अब उसके बाद यहां पे आके शेप फिल में आके ग्रेडियंट फिल में आके इसको मोर ग्रेडियंट कर देते हैं। और मोर ग्रेडियंट करने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है, इस ट्रांसपेरेंसी को हम जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं या हल्का कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद है तो यहाँ पे आप कोई ग्लो भी लगा सकते हैं, तो आप कोई ग्लो जो भी ग्लो एडजस्ट करना चाहें वो ग्लो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्लो एडजस्ट किया और ट्रांसपेरेंसी को, ग्लो के ट्रांसपेरेंसी को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमने ग्लो के ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद यहां से प्रीसेट साइज को भी हम कुछ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने प्रीसेट साइज को भी एडजस्ट करके और अब हम इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं तो ये हमारे सामने इस तरीके से चंद्रमा बन गया। अब उसके बाद इसको एडजस्ट करने के बाद अगला काम हम क्या करेंगे, यहां पे हम बनाएंगे तारा। कैसे, शेप में चलते हैं और यहां पे हम स्टार शेप लेते हैं और स्टार शेप लेके यहां पे हम एक स्टार ड्रॉ करते हैं और स्टार ड्रॉ करने के बाद इसको हम कंट्रोल डी कर देते हैं, या कंट्रोल डी ना करके पहले इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर लेते हैं और शेप पे भी आउटलाइन पे भी व्हाइट कलर फिल करके, और यहां से हम इसको थोड़ा ग्लो देते हैं। जो भी आप ग्लो देना चाहें आप कोई भी एक ग्लो दे सकते हैं। ग्लो देने के बाद फिर हम शेप में आके कोई एक डिफरेंट शेप लेते हैं जो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे, तो यहां से हम रिफ्लेक्ट शेप ले लेते हैं, लेकिन ये ज्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम यहां से रिफ्लेक्ट को हटा के, यहां से आप अलग अलग बहुत सारे शेप हैं तो कोई भी एक शेप ले सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, ग्लो ऑप्शन पे चलते हैं। ग्लो ऑप्शन पे चल के ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, जितना कम या ज्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। और फिर इसके बैकग्राउंड को जो व्हाइट है इसको व्हाइट कर लें। तो ये हमने सेट कर लिया, तो ये थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ पे ग्लो देखें, ग्लो अगर वो ग्लो नहीं पसंद है तो आप नो ग्लो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइज वगैरह भी आप यहां से एडजस्ट कर पाएंगे जो जिस तरीके से चाहते हैं। अब ये पूरा सेट करके रिफ्लेक्शन में भी हम देख सकते हैं किस तरीके का हो, इसका भी ट्रांसपेरेंसी आप हल्का फुल्का जो भी एडजस्ट करना चाहे, नहीं करना चाहते आप इसको हटा दीजिए और यहां से आप इसको क्लोज कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से तारा बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करके कंट्रोल डी करते हैं, ये डुप्लीकेट हो गया, और फिर कंट्रोल डी करते हैं फिर इसका भी डुप्लीकेट हो गया। हम इसकी साइज को एक की साइज छोटा और एक की साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर एक और इसका डुप्लीकेट करते हैं, यहां पे रखते हैं, फिर इसका एक डुप्लीकेट करते हैं और फिर डुप्लीकेट करते हैं,
थोड़ा सा और साइज बड़ा करेंगे और फिर हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं जितने हैं, सबको सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी दबा दिया। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, या आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे कुछ इस तरीके से, और सेलेक्ट करके आप कंट्रोल दबा के आप इसको ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग जहां एडजस्ट करना चाहें वहां आप रख लीजिए, और जिस तरीके से आप इसको रखना चाहें उस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। वो सब आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इनको इस तरीके से कॉपी करके रख लिया, और फिर उसके बाद अब हम ये देखिए पूरा का पूरा हमने इसके शेप को तैयार कर लिया है, और अलग अलग इस पे हम जितना भी चांद तारा जो भी बनाना चाहें आप, जैसा तारा या जो भी शेप देना चाहें वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा इसको और यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इस तरीके से ड्रॉ हो गया। इसकी एक कॉपी हम इधर भी रख लेते हैं, इसकी भी कॉपी यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। आप पूरे पेज को जो है इन्हीं चीजों से भर दें, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं, और ये पूरा का पूरा हमने एडजस्ट कर दिया, और इसके पास में भी कुछ बना लेते हैं दो चार, तो इस तरीके से हमने यहां एक पेज तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहां पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट तैयार करना है। डुप्लीकेट शॉर्ट तरीका होता है कंट्रोल डी। तो लगभग हम 5 से 6 स्लाइड 7 स्लाइड इसकी तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड में हम कुछ जो तारा है कुछ डिलीट कर देते हैं, तो बीच के दो चार डिलीट कर लेते हैं, जिसके इससे इसका लुक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और ये उससे अलग दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ डिलीट कर दिया, से हम कुछ स्टार्स को डिलीट कर लेते हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं फील हो रही, या उससे थोड़ा डिफरेंट होने चाहिए ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट लुक इसको दे पाए। तो यहाँ पे हमने कुछ और स्टार्स को डिलीट किया, और फिर अगली स्लाइड में आते हैं। हमने 7 स्लाइड बना रखी है, तो 7 की 7 स्लाइड में हम डिफरेंट स्टार को डिलीट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होगा। फिर इसी तरीके से हम 5वीं 6ठी सारी स्लाइड पे हम स्टार्स को डिलीट करेंगे। तो यहां पे हमने कई सारे स्टार डिलीट किए, फिर लास्ट स्लाइड है इस पे भी हम स्टार को कुछ डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टार वैसे ही बना रखे हैं। तो यहां से हम अपनी मर्जी से जो स्टार चाहें उसको हम डिलीट कर सकते हैं। हमने इन स्टार्स को डिलीट किया, और फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा ही स्टार सेलेक्ट कर लिए, डिलीट कर दिया। अब हम इसको इसकी स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड शो करके दिखाते हैं किस तरह से ये प्रेजेंट होता है। तो जैसे हमने क्या किया, स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग किया, तो ये पहली स्लाइड आई, फिर जब हम नेक्स्ट करेंगे तो अगली स्लाइड आएगी, फिर नेक्स्ट करेंगे अगली स्लाइड आएगी, फिर नेक्स्ट पे अगली स्लाइड, फिर नेक्स्ट पे अगली स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से हम एक एक स्लाइड पे जा सकते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहली स्लाइड पे आते हैं और एनिमेशन में चल के रिहर्स टाइमिंग करते हैं, और रिहर्स टाइमिंग पे हम जल्दी जल्दी इसके टाइम को चेंज करेंगे। जैसे ये स्लाइड शो स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी क्लिक करके हम इसकी स्लाइड्स की टाइमिंग को चेंज करेंगे। अब यस कर देते हैं, और फिर अब उसके बाद सेटअप शो में आते हैं और यहां पे कर देंगे लूप, लूप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट, अब कर देंगे ओके। और अब हम फ्रॉम बिगनिंग जैसे ही करते हैं तो देखिए स्लाइड्स कैसे चेंज होंगी, ऑटोमेटिक इस तरीके से ये चेंज होती दिखेंगी आपको, मतलब एक स्लाइड से दूसरे, दूसरे पे तीसरे, तीसरे पे चौथा,
आप स्टार को थोड़ा और अच्छा बनाइएगा जिससे ये थोड़ा और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।